जामनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। गुरुदेव सेवा आश्रम चैतन्य धामचे श्रद्धेय श्याम चैतन्य महाराज यांच्या वाढदिवसानिमित्त जीएम फाउंडेशन तसेच न्यू रुबी स्टार हॉस्पिटलच्या माध्यमातून अंबिलोळ देवी येथे भव्य आरोग्य शिबिर पार पडले। यावेळी जामनेर नगरीच्या माजी नगराध्यक्षा साधना महाजन तसेच जामनेर तालुका एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव जितेंद्र पाटील यांच्या हस्ते शिबिराचे उद्घाटन करण्यात आले। यावेळी प्रवीण राजनकर, दौलत पवार, रामचंद नाईक, निलेश चव्हाण, विश्वनाथ चव्हाण, शेकडो स्वयंसेवक उपस्थित होते। आदरणीय काकूंनी या ठिकाणी उपस्थित दिली, परंतु त्यांचं जे वेळापत्रक आहे ते अत्यंत व्यस्त असल्यामुळे, कारण गिरीश भाऊ संपूर्ण महाराष्ट्राचं नेतृत्व करत आहे आणि जामनेर तालुका आमच्या काकू आमचे काका या ठिकाणी सांभाळत आहेत, त्यांना व्यस्त शेड्यूल असल्यामुळे ताईंच्या सूचनेप्रमाणे काकूंच्या सूचनेप्रमाणे बापूजींचं स्वागत करून ताई या ठिकाणी प्रस्थान होत आहेत। मी काकूंना तुकारामांनी सांगितलंय की चंदनाचे हात पाय ही चंदन परिसा परी नाही ही कुणी अंधार ही पाठी पोटी अंधकार सर्वांगे साकर अवघी बोलत। त्याचप्रमाणे आमच्या या छोट्याशा गावाला येऊन ताईंनी आम्हाला उपकृत या ठिकाणी केलं। काकूंचं स्वागत, काकू आंबिळो गावचे आमच्या प्रथम नागरिक आमच्या ताई गाळीबाईंना विनंती करतो, त्यांनी काकूंचं स्वागत करावं। त्याचप्रमाणे आमचे मार्गदर्शक आदरणीय जितू काकांचं स्वागत आदरणीय नटर भाऊ यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो। आणि जवळपास 15 वर्षापूर्वी गुरुदेव सेवा आश्रमची स्थापना झाली। आता तुम्हाला माहितीये गुरुदेव सेवा आश्रम हे आंबिलोळचं आहे आणि बाबा ही आंबिलोळचेच आहे, त्यामुळे माझ्यापेक्षा तुम्हाला बाबांबद्दल जास्त माहिती आहे। परंतु जर का चार ओळींमध्ये बाबांचा विषय जर का सांगायचं झालं तर सूर्य चंद्र तारे यांची उपमा देऊ कशाला बाबाजी, सूर्य चंद्र तारे यांची उपमा देऊ कशाला, डोळ्यात तुमच्या निसर्ग सारा, त्याला शब्दांचा पसारा कशाला, शब्दांचा पसारा कशाला। बाबाजींचं स्वप्न आहे की ज्याप्रमाणे बापूंनी बघितलं स्वप्न की माझा समाज स्वर्णिम झाला पाहिजे, तसं बाबाजींचं स्वप्न आहे, श्याम चेतन महाराजांचं स्वप्न आहे की माझा जामनेर तालुक्यातील माझा प्रत्येक व्यक्ती गाव खेड्यातील तांड्या वस्त्यातील हा निरोगी राहिला पाहिजे, आणि याकरिता न्यू रुबिस्टर हॉस्पिटल आणि जीएम फाउंडेशनच्या माध्यमातून आज बाबाजींचा वाढदिवस आपण या ठिकाणी आरोग्य शिबिराच्या माध्यमातून करत आहोत आणि म्हणून प्रथमतः आपण जोरदार टाळ्या वाजून बाबाजींचं ह्यासाठी स्वागत करतो। अनेक लोक डीजे लावतात, अनेक लोक केक कापतात, परंतु त्या सगळ्यांना तिलांजली बाबांनी दिली। प्रत्येक साधकाला सांगितलं की माझ्या वाढदिवसाला त्या ठिकाणी बुके आणू नका, माझ्या वाढदिवसाला केक आणू नका, माझ्या वाढदिवसाला काही इतरत्र वायफळ खर्च करू नका, करायचं असेल तर त्या ठिकाणी रोग्यांना निरोगी आयुष्य देणं जमेल का हे बघा। आणि म्हणून न्यू रुबी स्टार हॉस्पिटलने त्या ठिकाणी पुढाकार घेतला, आमच्या गिरीश महाजन फाउंडेशनने पुढाकार घेतला आणि हे आरोग्य शिबिर त्या ठिकाणी घडून आणलं। नंबर एक वर असलेलं गाव आहे, नंबर एक वर इथे बाबा रामदेवचा भंडारा होतो, 20,000 लोक जेवायला येतात पण एकही व्यक्ती भुकेला जात नाही असं हे गाव आहे आणि हे गाव आध्यात्मिक शक्तीचं एक ऊर्जा केंद्र आहे। इथे ज्येष्ठांचा सन्मान तेवढा राखला जातो जेवढा युवांचा सन्मान राखला जातो, म्हणून दोघांच्या समन्वयतेने हे गाव त्या ठिकाणी काम करत असतं। या गावाच्या माध्यमातून आज हा सत्कार बापूंचा होत आहे। मी आता बापूंना विनंती करतो की आपल्या वाणीने आम्हाला शब्दबद्ध करावं, आम्हाला पवित्र करावं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णू, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मलीन गुरुदेव परम पूज्य बापूजी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए
हम जिस विशेष आध्यात्मिक जगह बैठे हैं, भगवान श्री रामदेव जी बाबा और हमारे केशवदास जी महाराज, इनके पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे जीएम फाउंडेशन न्यू रूबी स्टार हॉस्पिटल के आयोजन में, संयुक्त आयोजन में, निशुल्क आरोग्य शिविर में उपस्थित सभी डॉक्टरों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और हमारे इस अमीरपुर गांव के हमारे सभी, हमारे दौलत भाई है, हमारे रामचंद भाई है, हमारा दावत सभी, और इस आयोजन को खड़ा करने में मेरी जो पूरी युवा टीम है, अभी सभी का नाम लेना थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो एक जोरदार मेरी युवा टाइम टीम के लिए एक अभिनंदन करना जरूरी है। देखा जाए तो ये शिविर कहीं दूसरे गांव में होने वाला था, वो मोखेड़ा, दोनों मोखेड़ा मिलके, लेकिन एक दिन हमारी ऐसी चर्चा चल रही थी, नेटवर्क था, दिलीप था, उन्होंने कहा कि बापू जी उधर लेते न लेते हुए हमारे गांव में क्यों नहीं, अभी थोड़ा वायरल भी चल रहा है, तो इस माध्यम से वो आपका गांव है, तो फिर मेरे बच्चों का मैं अपमान नहीं कर सकता, वो यदि रात दिन मेरे लिए कुछ भी आदेश दिया कि भागते होंगे, तो फिर मैंने उनके अच्छे काम को सम्मान क्यों न देना, इसलिए ये शिविर का आयोजन यहाँ हुआ। तो मेरी पूरी युवा टीम के लिए मैं बाबा रामदेव जी, बाबा केशवदास महाराज, पूज्य बापू जी से आशीर्वाद मांगूंगा कि इन बच्चों को ऐसी सेवा कार्य करने का शक्ति प्रदान करें। और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बोलना चाहिए, लेकिन गुरुदेव सेवा आश्रम प्रतिवर्ष आरोग्य शिविर हो या वृक्षारोपण हो या मरीजों को हॉस्पिटल में कुछ सेवा हो, ऐसे प्रतिवर्ष करता है। ऐसा नहीं है कि ये नया अपन शुरू कर रहे, आज ये नया कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। और आप सभी परिचित है, मुझे सेवा कार्य करने में बड़ा आनंद आता है। हर एक आदमी का एक अलग अलग एक अपना व्यसन होता है, किसी को बीड़ी की व्यसन होती है, किसी को गांजे का व्यसन होता है, किसी को शराब का व्यसन होता है, किसी को सत्संग का व्यसन होता है, अनेक बातें होती है। तो ये मेरा व्यसन है कि मैं समाज में कुछ सेवा दूं। समाज यदि मेरा सेवा करता है, इतनी ताकत लगा कि करोड़ों का वहां आश्रम बन सकता है, उद्घाटन हो सकता है, तो मैं समाज की सेवा क्यों न करूं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी प्रसन्न रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी निरोगी रहे और सब आनंदित रहे, इसी भावना को लेके गुरुदेव सेवा आश्रम हर दो चार पांच महीने में कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहता है। तो मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए, मेरे सेवा कार्य को देखते हुए, अभी नीलेश ने जिसका वर्णन किया, स्मार्ट बॉय, कलाकार, हंसने वाला, विश्वनाथ के लिए एक जोरदार ताली बजाकर हमने अभिनंदन उसका करना चाहिए कि जैसे उस पर बात हुई, पहले तो रामेश्वर भाव को धन्यवाद देना चाहिए कि रामेश्वर भाव के पास में जब बात हुई, बापू जी वो पूरी टीम आपकी है, मला रामेश्वर भाव ने सांगितलं की पूर्ण डॉक्टर वर्ग तुमचा आहे, तुम्ही आदेश द्या त्यांना। परवा गिरीश भाऊ इकडे आले होते, त्यांच्याशी चर्चा झाली, सगळ्या गाड्या बोलवा आणि जोरदार आरोग्य शिबिर करा। यानी इसमें से चलो ये आरोग्य शिबिर करके कोई मुझे बहुत बड़ा फायदा थोड़ी होने वाला है, लेकिन मेरा कर्तव्य है। आज हम तन से परेशान है, मन से परेशान है, किसी को शुगर की बीमारी, किसी को ब्लड प्रेशर है, अभी कैंसर का प्रमाण कितना बढ़ गया, हर चार दिन में एक कैंसर पेशेंट का फोन आता है, बाबा जी रामेश्वर भाव को बोलो हमारी लाइन लगाओ। खान पान पर हमको ध्यान देने की अति आवश्यकता है, हम आलसी हो गए। दुनिया भर का हम रसायन खेत में वापर रहे, भाजीपाले पे, दाल इनों पे, इन सभी का इफेक्ट हमारे जीवन पे बहुत खतरनाक हो रहा है। इसलिए सात्विक भोजन, सात्विक आहार हम अच्छा करके
हमारा आरोग्य हम कैसा अच्छा रखे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अभी इतने सारे डॉक्टर यहाँ आके बैठे हैं, उनकी ड्यूटी है ठीक है, लेकिन उनको भी लगता है कि हर एक आदमी तक हम सेवा दें। तो हमारे गिरीश भाऊ महाजन फाउंडेशन, अभी हमारे संचालन करते करते गिरीश भाऊ ने कहा कि गिरीश भाऊ का स्वप्न है मोतिया बिंदु मुक्त महाराष्ट्र, सभी स्वस्थ रहे। गिरीश भाऊ का अपन कोई शब्दों में उनका धन्यवाद नहीं कर सकते, जितना काम उन्होंने आरोग्य के लिए हमारे महाराष्ट्र के लिए किया। या बातमी इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा, तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।